Hello, my dear students. How are you? I hope you are doing great. So, students, in today's video, we are going to solve some more exercises of chapter 2 in your Hindi grammar book. So, shall we start? Okay. तो यहाँ से चलते हैं. क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं. अब कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो आज हमें सॉल्व करनी है. तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए. तो हमारे पास एक प्रश्न है, उसके चार ऑल्टरनेट्स हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं उसके चार विकल्प हैं. तो आपको चारों में से जो एक ठीक है उस पर राइट मार्क करना है. तो क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं. आई नो यू हैव द आंसर. भाषा की सबसे छोटी इकाई को ना तो हम शब्द कहते हैं, ना ही हम वाक्य कहते हैं, और ना ही हम पद कहते हैं. हम क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्ण. ओके, नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं. दो प्रकार के, 11 प्रकार के, 33 प्रकार के या 44 प्रकार के. अब देखिए यहाँ पर फोकस करने वाली बात ये है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ते समय प्रकार शब्द पे ध्यान नहीं दिया तो आप इसको ऐसे पढ़ लेंगे, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं. तो आप इसका आंसर गलत आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी होता है. तो हिंदी वर्णमाला में हम जानते हैं दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन. तो इसका सही आंसर है दो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं. स्वतंत्र रूप से वर्णों को बोलने का मतलब ये है कि उन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की या अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है. जैसे कि व्यंजन में पड़ती है स्वरों की आवश्यकता, तो जो वर्ण हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं वो व्यंजन नहीं होते हैं, अनुनासिक भी नहीं होते हैं, विसर्ग भी नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्वर होते हैं. तो इसका राइट आंसर है स्वर. फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आगत है. आगत मतलब आगत वर्ण है या आगत ध्वनि है जो हमने दूसरी भाषा से हिंदी में समाहित की है. तो अंग नहीं है, ये अनुनासिक चंद्रबिंदु वाला ये भी नहीं है, ओ ये है, और आह विसर्ग ये भी नहीं है. उसका सही आंसर है ओ. तो ओ हुआ या ज हुआ या फ हुआ बच्चों, ये आगत वर्ण है. ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए. ठीक है, पहला वाक्य पढ़ते हैं. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है. पढ़ चुके हैं हम कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही है. अगला देखिए, स्वर 10 होते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. स्वरों की संख्या आपको मालूम है कितनी होती है, बताइए. हाँ, क्विकली बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड आंसर. स्वरों की संख्या होती है 11. तो ये आपका गलत है. अगला देखिए, मूल व्यंजन 45 होते हैं. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. मूल व्यंजन 45 नहीं होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, 44 होते हैं. तो ये भी गलत हो गया. क ख ग स्वर वर्ण हैं. नहीं, क ख ग स्वर वर्ण नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अगला देखिए, इंगा वाला जो क्वेश्चन है वो है अ ई ए और ओ, ये कैसे वर्ण हैं, ये स्वर वर्ण हैं. बिल्कुल हैं स्वर वर्ण. तो ये आपका राइट आंसर है. तो आपके दो राइट आंसर हैं और तीन जो हैं वो रॉन्ग हैं. ठीक है, चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर. अगली एक्सरसाइज में देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों तथा द्वितीय व्यंजनों के प्रयोग से बने शब्दों को अलग अलग करके लिखिए. बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और हमें इसमें मज़ा आने वाला है. इसमें दो चीज़ें हैं, एक संयुक्त अक्षर का प्रयोग करके शब्द दिए हैं और दूसरा जो आपके द्वितीय व्यंजन हैं उनका प्रयोग करके कुछ शब्द हैं. संयुक्त अक्षर में क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं, और द्वित व्यंजन में क्या होता है, दोनों एक ही प्रकार के व्यंजन होते हैं. तो अब इस पर हम नंबर डाल देते हैं ए और इस पर डाल देते हैं बी. तो आपको ए बी करके आइडेंटिफाई करना है और फिर लिखना है. तो देखिए पहला शब्द क्या है, नन्हा.
आधा अक्षर है, पूरा है, दोनों अलग अलग हैं तो ए है, और सेम है तो बी है। अब दिल्ली में दोनों लाला हैं तो ये बी है, सत्य में तावरिया हैं तो ए है, चम्मच में क्या है, दोनों मामा हैं तो बी है, फिर गद्दी में दादा हैं तो बताइए बी है, झुग्गी में गागा हैं तो बी है, स्वच्छ में च और छा है तो ए है, अन्न में नाना है तो बी है, स्वस्थ में स और था है तो ए है, वस्त्र में स और त्रा है तो ए है, सत्ता में आपके ता ता हैं तो बी है, व्यक्ति में का और ता है तो ए है, चमत्कार में ता और का है तो ए है, चप्पल में क्या है, पा और पा है तो बी है, सिक्का में द्वित व्यंजन बी है, डिब्बा में भी द्वित व्यंजन बी है, मक्खी में संयुक्त अक्षर ए है, पत्थर में संयुक्त अक्षर ए है, कच्चा में द्वित व्यंजन बी है, और अलहड़ में संयुक्त अक्षर ए है। ठीक, तो कौन कौन से शब्द हुए, नन्हा, दिल्ली, सत्य, चम्मच, गद्दी, झुग्गी, स्वच्छ, अन्न, स्वस्थ, वस्त्र, सत्ता, व्यक्ति, चमत्कार, चप्पल, सिक्का, डिब्बा, मक्खी, पत्थर, कच्चा और अलहड़। ठीक है, इतने सारे शब्द थे जिनमें से कुछ शब्द संयुक्ताक्षर के ऊपर बने हुए थे और कुछ शब्द आपके द्वित व्यंजन के ऊपर बने हुए थे। तो दोनों को आपको अलग अलग हेडिंग डालकर अलग अलग कैटेगरी में लिखना है। एक आपके संयुक्ताक्षर हैं और दूसरे आपके द्वित व्यंजन है। द्वित लिखने को मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, द्वि यानी कि द के नीचे व और फिर त और फिर व। ठीक है, द्वित व्यंजन आ गए आपको एक्सरसाइज समझ में। चलिए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज में क्या करना है हमको, डिसजॉइनिंग ऑफ लेटर्स मतलब वर्ण विच्छेद करने हैं। कौन कौन से शब्द दिए हैं, विद्वान, समुद्र, कृषक, अंगूठी, लोकप्रिय और कृपालु। तो कुछ शब्दों के वर्ण विच्छेद मैं आपको वीडियो में करके बताती हूँ और उसके बाद जो शब्द रह जाएंगे उनके आपको वर्ण विच्छेद अपने आप करने हैं। ठीक है, तो कौन सा आपको डिफिकल्ट लगता है, चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। विद्वान, विद्वान का वर्ण विच्छेद किस तरह से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले वा है तो हम लिखेंगे वा। ठीक है, और इसके नीचे हलंत आएगा, उसके बाद प्लस का साइन, फिर इस पर छोटी की मात्रा है तो ई। ठीक है, उसके बाद क्या है, द है आधा तो आधा दा बनेगा, फिर व है तो व बनेगा, फिर हलंत लगेगा और उसके साथ जो स्वर है वो बड़े आ का है तो बड़ा आ बनेगा, उसके बाद न है तो आधा ना बनेगा और उसके साथ स्वर आ है तो आ लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये विद्वान का वर्ण विच्छेद हुआ। ठीक है, अब हम बनाते हैं अंगूठी का वर्ण विच्छेद। तो कैसे बनाएंगे अंगूठी का, अंग है तो अंग ही लिखा जाएगा, कोई हलंत नहीं लगेगा। अंगूठी में क्या करेंगे, गा हलंत और उसके साथ बड़े की मात्रा तो ये हो गया गु, और उसके बाद फिर ठा है तो ठा और हलंत ऐसे लगेगा और उस पर फिर बड़ी की मात्रा। ठीक है, समुद्र में क्या होगा, स प्लस अ, मा प्लस ऊ और द्र। द्र को हम कैसे लिखेंगे, द्र को लिख के बता देते हैं हम, आधा द और फिर आधा र और फिर पूरा आ, तो ये हो गया आपका द्र। इसमें कृषक में आपको क्री में दिक्कत आ सकती है तो आप कैसे लिखेंगे, आधा का प्लस री ऋषि की मात्रा, तो ये हो गया आपका क्री। बाकी आप लोकप्रिय अपने आप लिख ही सकते हैं, कृपालु भी अपने आप लिख सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज में बच्चों क्या करना है, देखिए दिए गए शब्दों पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर उचित स्थान पर लिखिए। अनुस्वार क्या होता है, जिसमें ना या माँ की साउंड आती है और उसके लिए हम बिंदी का इस्तेमाल करते हैं, और अनुनासिक में क्या होता है, हम चंद्र बिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिसमें किसी में अनुस्वार लिखना है और किसी में हमें अनुनासिक लगाना है। तो आप जानते हैं, देखिए मुँह, तो मुँह में माँ के ऊपर क्या आता है, चंद्र बिंदु आती है, मतलब अनुनासिक आता है। ठीक है, गाँव, गाँव में गा के ऊपर चंद्रबिंदी आती है, मतलब अनुनासिक आता है।
से क्या बनेगा, रंग से रंग, और रंग में क्या होता है अनुस्वार आता है, ठीक है। चांद में क्या होता है अनुनासिक आता है, आँख में अनुनासिक आता है, शंख जब देखो ऊंची तरफ से ध्वनि जाती है, थोड़ा ऊंचा जाती है तो अनुस्वार, और थोड़ा सा धीमा जाती है तो अनुनासिक, शंख में बिंदी, दांत दांत में चंद्र बिंदी, मंगल मंगल में बिंदी, पंख ऊंचा जा रहे हैं बिंदी, और ये है आपका अंगूर अंगूर में बिंदी, ठीक है। तो अनुनासिक वाले कौन से हुए, मुंह गांव चांद आँख और दांत, पांच हो गए, और अनुस्वार वाले रंग शंख मंगल पंख, रंग शंख मंगल पंख और अंगूर, यानी कि ये भी पांच हो गए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेस आपको सभी को अपनी अपनी नोटबुक पर करनी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन करनी है। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज में हमें जॉइनिंग ऑफ लेटर्स करनी है, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर उनसे शब्द बनाने हैं। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी है, फटाफट से इसको करते हैं। देखिए शब्द क्या है, ग आधा, फिर य है ना, तो ग और य ग्या, और फिर र तो र, और फिर ह तो ह, तो शब्द क्या बना, आधा ग फिर य फिर र फिर ह, तो हिंदी की गिनती बन गई है 11। अब कैसे लिखते हैं हिंदी में 11, ऐसे लिखते हैं 11, है ना। आगे देखिए अगला क्या बनेगा, उ च छ वास, उच्छ्वास, शब्द क्या बनेगा, उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ छ वास उच्छ्वास। आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, आपको इसका अर्थ लिखना है, उच्छ्वास का अर्थ क्या होता है अपने आप से मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क या री क्यारी, ठीक, अगला शब्द क्या है, क्यारी, क्यारी का भी मतलब क्या होता है मुझे बताइएगा, इसका अर्थ क्या है लिखिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद देखिए, का र या ल य कार्यालय, कार्यालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफिस। अगला देखिए, पर अ प्र भा त प्रभात, प्रभात का भी मतलब क्या होता है बताइएगा, ठीक, तो प्र भा त अर्थ लिखने हैं आपको इनके। अगला देखिए, स व च छ यानी कि स्वच्छ, शब्द क्या बनेगा, स्वच्छ, आधा स फिर व फिर आधा च और फिर छ। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आप इसको आराम से अपनी बुक में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस अलग से गतिविधि में दी हुई हैं, देखते हैं इसमें से हम क्या कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम इन सारी एक्सरसाइजेस को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, अपने कमरे में विद्यमान कुछ प्रमुख चीज़ों के नाम लिखिए और उनका वर्ण विकसित कीजिए। बहुत ही आसान है, हम कर सकते हैं इसको, कि आप अपने कमरे में देखिए चारों तरफ आँख घुमाकर, 10 चीज़ें ढूंढिए, उनके नाम लिखिए और फिर उनके वर्ण विकसित कीजिए, ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट ओन। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न वर्णों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है पता कीजिए। तो हमने पढ़ा था ना, कुछ कुछ वर्ण का उच्चारण हम कंठ से करते हैं, कुछ का तालु से करते हैं, कुछ का मूर्धा से करते हैं, और कुछ का होठों से करते हैं, कुछ का दांतों से करते हैं, और उन्हें चित्र में उनके उच्चारण स्थान से संबंधित दिखाइए। तो ठीक है, हम इसका एक चार्ट बना सकते हैं, और ये भी हम कर सकते हैं एक्टिविटी में, इसका चार्ट बनाइएगा आप, और चार्ट में ये सारे आपको अंग दिखाने हैं और इन अंगों के पास उनके जो वर्ण हैं वो लिख देने हैं। मैं आपको शो कर दूंगी आपको किस तरह से बनाना है, तो ये चार्ट आपको प्रिपेयर करना है, या आप चार्ट प्रिपेयर ना करें तो आप अपनी नोटबुक पर भी इसका एक डायग्राम बनाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, नोटबुक पर कर लीजिएगा, अलग से चार्ट मत बनाइएगा। दूसरा देखिए, आगत वर्णों को हिंदी वर्णमाला में क्यों लिया गया पता कीजिए तथा संक्षिप्त नोट लिखिए। आगत वर्ण क्या हुए, हिंदी में क्यों आए, इसके बारे में पता लगाना है और उसके ऊपर लिखना है। तो हिंदी भाषा में हमेशा से क्या होता रहा है, दूसरी कई भाषाएं समाहित होती रही हैं, है ना, जब
मुस्लिम लोग आए तो उनके साथ में अरबी फारसी भाषा आई, जब अंग्रेज़ लोग आए तो उनके साथ में अंग्रेज़ी आई, तो उनके शब्द हिंदी में हमने सीख लिए। अब हम उसको देवनागरी लिपि में लिखने लगे, अब उनको लिखने के लिए अलग प्रकार की ध्वनि चाहिए थी इसलिए हमने उनको शामिल कर लिया। तो इतना हम समझ सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, क्या वर्णों और अंकों में कोई संबंध है? उनकी आकृति या संरचना के आधार पर चर्चा करें। वर्ण होते हैं अक्षर और अंक मतलब हिंदी के जो अंक होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके ऊपर हम कभी गहरी चर्चा फिर कभी क्लास में करेंगे कि वर्णों और अंकों में कोई संबंध होता है नहीं होता है। फिलहाल आपको दो काम करने हैं जिसमें से एक का चित्र अभी वीडियो के बाद आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए स्वरों को, व्यंजनों को, आपके होल लाइफ आपको ये काम करने वाले हैं। ठीक, लगभग इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस एक बार ध्यान से समझ के पढ़ लीजिएगा, यू विल लर्न। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वील मीट, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय। तो बच्चों, इस तरीके का चार्ट जो है वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, कलर्स के साथ सुंदर बनाइएगा। ओके।